मुख्यमंत्री सरल बिजली बिल योजना तथा बकाया बिल माफी योजना के तहत बुधवार को मानस भवन में उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों किया गया बिजली बिल माफी के प्रमाण पत्रों का वितरण। गरीब हितग्राहियों को अब मिलेगी 200 रुपए में बिजली। गरीबों को भेजे जाने वाले भारी भरकम बिल को देखते हुए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा सरल बिजली बिल योजना तथा बकाया बिल माफी योजना के तहत गरीबों को अब प्रदेश सरकार के द्वारा 200 रुपए में बिजली दी जाएगी, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को चिन्हित किया गया था और बुधवार को मानस भवन में कार्यक्रम आयोजित कर सभी को प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस योजना के शुरू हो जाने से गरीबों को काफी फायदा होगा और उन्हें सस्ती बिजली मिल पाएगी। योजनाएं बनाने का काम यदि किसी ने किया तो शिवराज सिंह चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लगातार गरीबों के कल्याण की योजनाएं, कभी किसी सरकार ने गरीबों की बेटियों की शादी कराई है क्या? कभी किसी ने नहीं कराई। गरीबों की बेटियों की शादी मंडप सजता है, कलेक्टर और कमिश्नर खड़े होकर गेट में इंतजाम करते हैं। बकाया बिजली के बिलों को माफ करके उनको राहत देने का काम आने वाले दिनों में हम लोग करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा काम है और ये काम बड़े दिल का आदमी ही कर सकता है। जिसका कलेजा मजबूत होगा वही गरीबों के कल्याण की इस प्रकार की योजनाएं बनाए। 24 घंटा बिजली मिले इसकी व्यवस्था करनी किसने किया? आप सबको याद होगा 2003 के पहले पूरा मध्य प्रदेश अंधेरे में डूबा हुआ था। शहरों में 4 घंटे 5 घंटे कभी कभी रात भर बिजली नहीं रहती। गांव की तो बाती छोड़िए, वहां तो बिजली 4-6 घंटे आ जाए तो बहुत बड़े भाग्य की बात होती थी। लेकिन न सिर्फ शहरों में बल्कि गांव-गांव में 24 घंटा बिजली देने की योजना हम लोगों ने बनाई थी और आज मध्य प्रदेश में 24 घंटा गांव-गांव में भी बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। आपको व्यवसाय से जोड़कर आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमारी सरकार तैयार करती है और उसके बाद है मकान। तो आज आजादी के 70 साल के समय काल को मैं यदि कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दो तरह की योजना BLC और AHP, यदि आपके पास कच्चा घर है, झोपड़ी है और मात्र वो 7.25 लाख का घर आपको मात्र 2 लाख में मिलेगा। उस 2 लाख का भी सरकार को पता है कि आप 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, इसलिए सरकार ने उसका 10वां हिस्सा यानी कि मात्र 20,000 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके 2 लाख की 1,80,000 की राशि को आपके नाम से बैंक से लोन निकालकर और आप आसान किस्तों में 10 से 15 सालों में उसे प्रतिमाह जमा करेंगे और घर आपका अपना होगा। ऐसी हमारी सरकार है।